मशहूर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक कल्चर और म्यूजियम। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। और यार गर्मी तो दबा के है यार, इतना गर्मी की पूछो मत। तो वो रहा अल्लूर माउथ। नाइट में और भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन मैं नाइट में हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ यूएई के 3rd largest सिटी में, जिसका नाम शारजा है, और अब मैं चल रहा हूँ अलकस्बा। अलकस्बा दो चीज़ों से मशहूर है, एक इस्लामिक आर्किटेक्चर से और दूसरा फाउंटेन से। अब मैं पहुँचने वाला हूँ अलकस्बा कैनल। कस्बा का जो मतलब होता है छोटा शहर, और कैनल का जो मतलब होता है नहर, बोल लो तालाब बोल लो। पूरे शारजा 3 चीज़ों से मशहूर है, इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक कल्चर और म्यूज़ियम। यहाँ पे म्यूज़ियम लगभग 16 म्यूज़ियम है पूरे शारजा में। आप कहाँ से हो वैसे? नेपाल। अच्छा, तो मतलब ये पेट्रोल का दाम हाई हो गया है क्या? हाई हो गया, पेट्रोल का दाम हाई हो गया बहुत ही ज़्यादा। अभी कितना कितने रुपये के पेट्रोल अभी? अभी ई प्लस है 4 dirham समथिंग है। 4 dirham में 1 liter है ना, थोड़ा कम है। 4 dirham में कितना पैसा कम है, और दूसरा तो स्पेशल, और दूसरा तो महंगा है, 4 से ऊपर है, महंगा चल रहा है ना। और बहुत ज्यादा हुआ था, थोड़ा डाउन हुआ है अभी, थोड़ा डाउन हुआ है, इससे पहले और भी ज्यादा था। अच्छा अच्छा, इसलिए मैं पहुंच गया हूँ अलकस्बा, और देख सकते हो आप कुछ इस टाइप के नज़ारा है यहाँ से। काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, इधर भी रेस्टोरेंट, और ये कुछ ऐसा व्यू है। नाइट में और भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन मैं नाइट में हूँ नहीं, डे में ही हूँ। अलकस्बा कैनल के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जैसे कि स्टारबक्स, डंकिंग डोनेट्स और लंदन डेयरी, और जो पिज़्ज़ा लवर है उनके लिए इटालियन कैजिनो भी है। जो आइसक्रीम पसंद करता है, आइसक्रीम पसंद है जिसको, यहाँ पे तुर्किश आइसक्रीम भी अवेलेबल है। देख सकते हो कुछ इस टाइप के रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे, और बहुत सारी है यार, मतलब आप खाने पीने की यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो ये कुछ ऐसा आर्किटेक्चर है, देख सकते हो आप यार, ये बेस है, और इस पार दिखता है कैनल, इस पार भी वही है और इस पार भी वही है। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, अमेजिंग लग रहा है देखने में सब कुछ। और कुछ ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा आर्किटेक्चर है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, शारजा मशहूर है इस्लामिक आर्किटेक्चर से और इस्लामिक कल्चर से, म्यूज़ियम से। बहुत सारी म्यूज़ियम है यहाँ पे, तो यार म्यूज़ियम में मेरे को उतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मूड बने तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ का म्यूज़ियम दिखाना चाहूँगा, कैसा है यहाँ का म्यूज़ियम। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है यार, और ये ब्रिज भी स्मूथ है, और टेम्परेचर वाकई में बहुत है, तो थोड़ा सा भींग जा रहा हूँ मैं बार बार, लेकिन देख सकते हो आप कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। तो यहाँ पे होता है बोट राइड, और बोट राइड का जो टाइमिंग है 4 बजे शाम से लेकर रात को 12 बजे तक, तो मिड नाइट तक है। और जो इसका कॉस्ट है पर पर्सन 15 dirham, और अगर 10 साल के बच्चे हैं तो उसका पड़ जाएंगे आपको 10 dirham, और अगर प्राइवेट बोट लेना चाहते हैं तो आपको 100 dirham पे करना पड़ेंगे, और आप प्राइवेट में टूर देते हैं लोग, तो काफ़ी अमेजिंग है यार। और कुछ इस टाइप्स के बोट हैं यहाँ यार, अलकस्बा कैनल का व्यू यहाँ से देख सकते हो आप, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और इस साइड थोड़ा वॉइस नॉइसी होगा, क्योंकि बहुत सारे कार जा रहे हैं यार इधर से, देख सकते हो आप ये रोड है, और ये कुछ ऐसा खासा अच्छा खासा व्यू है यार यहाँ से। चल रहा हूँ अल्लूर मॉस्क। अल्लूर मॉस्क यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। और यार गर्मी तो दबा के है यार, इतना गर्मी की पूछो मत, है गर्मी। तो वो रहा अल्लूर मॉस्क। आई डोंट नो आप कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, सही से दिख रहा है, लेकिन वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे बोट की काफ़ी सारी एक्टिविटी है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, आप 3 चीज़ को कवर कर सकते हो। पहला तो अल्लूर आइलैंड, जो कि मैं गया था लास्ट टाइम, आप देख सकते हो वहाँ पे अल्लूर आइलैंड। उसके बाद फिर आप अल्लूर मॉस्क को कवर कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे अलकस्बा, जिसको मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा अल्लूर मॉस्क, ये टूर भी देता है, टूर सिर्फ देता है मंडे को, और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे अजान भी हो रहा है शायद, आप लोगों को साउंड आता होगा, तो फ्राइडे को ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, काफ़ी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। और मैं दुबई गया था, दुबई में मॉस्क के अंदर ही गया था, लेकिन उसका कॉस्ट जो था 35 dirham। टूर करवाया, इस्लामिक कल्चर के बारे में बताएँ, और उसमें इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट,
तो ब्रेकफास्ट किए, लेकिन मैं यहाँ पे कोई टूर नहीं ले रहा हूँ, बस नॉर्मली जाऊँगा। आज फ्राइडे है तो नमाज़ पढ़ूँगा, अगर अंदर जगह मिलेगा तो अंदर जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये कुछ ऐसा मॉस्क है, पहुँच तो गया हूँ यार 3 किलोमीटर वॉक करके इतना गर्मी में। फाइनली अल्लू मॉस्क के अंदर मैं नमाज़ पढ़ लिया हूँ। और ये सुन्नी मस्जिद है, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2003 में और 2005 में ये बन के रेडी हो गया। इसके अंदर जो कैपेसिटी है नमाज़ पढ़ने की 1800 मेल का है और फीमेल का 400 है इसके अंदर। और ये इसका स्टाइल है, जो इसका आर्किटेक्चर है तुर्की ऑटोमन स्टाइल आर्किटेक्चर। इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है GRS मार्बल और जिप्सम पाउडर को यूज़ करके बनाया गया है। और अंदर से कुछ इस टाइप का व्यू है, देख सकते हो आप, अंदर काफ़ी अमेजिंग है और ब्यूटीफुल है। काफ़ी झूमर लगा के हैं और भी मतलब मस्जिद को खूबसूरत अट्रैक्शन करता है। ये ऑलरेडी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, तो शायद ही कुछ लोग को पता हो। ये टूर भी देते हैं, मंडे को टूर देते हैं और बताते हैं इस्लामिक कल्चर के बारे में, जो इस्लामिक अतीत होते हैं ओल्ड में पास्ट में, और हमारे मक्का के बारे में बताते हैं। तो अंदर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। मैं गया था दुबई में, दुबई में मेरे को 35 दिरहम लगा था और कुछ ही लोग थे, तो काफ़ी सही था वो भी टूर यार। अब मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन। बस था तो अभी आ रहा हूँ मैं रोला टर्मिनल से। और इसका जो कॉस्ट लगा है 8 दिरहम, लगभग आप 15 स्टॉप तक 20 स्टॉप तक कवर कर सकते हो शारजा में 8 दिरहम के आसपास। और पूरे शारजा एमिरेट्स में जो मॉस्क है ना, टोटल मॉस्क है 2700 मॉस्क है। वापस से मैं शारजा और दुबई के बॉर्डर में खड़ा हूँ, देख सकते हो आप, वो साइड शारजा का बॉर्डर है और ये साइड दुबई है। तो वापस से मैं यहाँ पे आ गया, मुझे कुछ काम था, मैं वापस से फिर से दुबई में तो मुझे वापस से कुछ काम था, इसके लिए मैं वापस से दुबई जा रहा हूँ और फिर से वापस मैं शारजा इन कर जाऊँगा। जस्ट बॉर्डर के सामने ही मुझे काम था। इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत शुक्र हूँ आप लोगों का। ऐसे ही बहुत सारा प्यार दें, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर ले। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।